Welcome to CR International School Online Classes. Hello students, our today's topic is electromagnetic radiations and their property. Electromagnetic radiations क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी. और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. जो वेव कोई भी मोशन करती है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, तो पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करके चलते हैं. एक्चुअली लास्ट याद करिए, जो हमारी बेटा लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था. याद आया कुछ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि कलर्स का बढ़ जाना, ठीक है ना, द स्प्लिटिंग ऑफ द कलर्स, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. याद आ गया कुछ. स्पेक्ट्रम के टाइप पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे हमने बेटा आपको, अगर याद हो, दो टाइप पढ़ाए थे, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना. किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनता है ना, उस प्रोसेस कि जब हम किसी सब्सटेंस पे इंसिडेंट करते हैं लाइट को, लाइट आती है इमिट, है ना, पहले ऑब्जर्व करेगी. तो अगर हमने लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, उसने ऑब्जर्व करी और कलर शो करे, है ना, ऑब्जर्व करते टाइम, तो वो क्या कहलाता है आपका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. लाइट आई और बाद में इसने निकाली, तो जब इमिट हुआ बेटा, तो जब इमिट हुई लाइट, तब हमारे पास क्या हुआ, मतलब या एनर्जी आई, उसने ऑब्जर्व करी देन इमिट करी. तो जब इमिशन चल रहा था बेटा रेडिएशन का, तब उसमें क्या हुआ, कलर्स अलग अलग हुए, स्प्लिट हुए. याद आ गया. ये तो हुआ किस तरीके से स्पेक्ट्रम बना, उस बेसिस पर कि द स्पेक्ट्रम विच इज फॉर्म बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशंस, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज फॉर्म, है ना, व्हेन द लाइट रे और एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, जब किसी सोर्स से जब हमारी रेडिएशन क्या होती हैं, लाइट, एनर्जी या रेडिएशन बाहर निकलते हैं, इमिट होती हैं, तब जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, इमिशन स्पेक्ट्रम. ये कैसा बना, बनते टाइम, है ना, अगर देखो कलर बिल्कुल अलग अलग साफ साफ पता चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये है वाइट है, इधर वाइट और बीच में ब्लैक, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है भाई. एक बार कभी मैंने देखो आसमान का एग्जांपल दिया था कि स्काई में कलर जैसे क्या होता है, मतलब जैसे इस टाइम बारिश का सीजन है, कहीं कहीं एकदम ब्लैक बादल से दिखेंगे, फिर वो धीरे धीरे डल पड़ने चले जाएंगे, सलेटी कब चालू हो गया पता नहीं चला, सलेटी से वाइट हो गया पता नहीं चला, वाइट से फिर लाइट ब्लू, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू, तो वो धीरे धीरे एक कलर का इफेक्ट कम हो रहा होता है, दूसरे का स्टार्ट वहीं से हो जाता है साथ साथ ही. समझ में आया नहीं, क्लियर है पॉइंट. जैसे आप उगता सूरज देखो, है ना, या छिपता सूरज देखो, तो आप उसमें रेडिशनेस, ऑरेंज और येलोनेस तीनों दिखेंगे, लेकिन दोपहर वाले में क्या दिखे, एकदम येलो दिखे. पॉइंट आया समझ में, क्लियर है पॉइंट. तो इस टाइप से तो जो हमारा कंटिन्यूअसली होता है, एक कलर कब खत्म हुआ दूसरा चालू हो गया, दूसरा कब खत्म हुआ तीसरा चालू हो गया, ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, वो कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. और जब हम कलर हिसाब से चेंज आए, ठीक है नहीं, तो आप उसको सीधे से बता पाए कि हाँ यहाँ एक कलर खत्म हो, तो लाइन के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं वो कलर, है ना, तो हम उसको क्या बोल देते हैं आपका लाइन से, क्लियर है पॉइंट. तो वहीं पे रेडिएशन वगैरह वर्ड आए थे बेटा, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो क्या होती है. तो देखो मैकेनिकल वेव होती है, आप फिजिक्स में वेव के टाइप पढ़ोगे ना, उस टाइम पे एक मैकेनिकल वेव होती है. मैकेनिकल मतलब जब मैकेनिक्स मोशन हो, मेरा समझे, तो किस टाइप से, जैसे आपने बेटा देखो एक रस्सी ली, उसको बांध दिया, तो ऑब्जेक्ट एक रस्सी हो गई और जब आधा उसने आपके एक ऑब्जेक्ट हुआ, आपने फिर उसको एक झटका दिया तो वो मूवमेंट हुआ. तो मैकेनिकल वेव क्या कहलाती है, जो मटेरियल के थ्रू, मतलब देखो वेव को मोशन करने के लिए भी क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए. पॉइंट में सुन रहे हो, वेव को भी मोशन करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या है, कोई मटेरियल है. जैसे आप रस्सी है, रस्सी मटेरियल, आपने झटका मारा तो वेव रस्सी की बन रही है ना, सुन, तो मटेरियल क्यों आ गया, वो रोप हो गई, वो रस्सी हो गई. तो जब हमारी वेव मोशन करे मटेरियल के थ्रू, समझ में आया नहीं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ मैकेनिकल वेव्स, जैसे आपने चलो एक छोड़ो, आपने पानी है तालाब, उसमें पत्थर मारा, पत्थर एक मटीरियल है, पानी एक मटीरियल है, जब आपने मारा एनर्जी के चेंजेस आए और एक वेव डेवलप हुई, है ना, तो वो मैटर में हो रही है ना, पानी एक मैटर है ना, करने वाला भी क्या है, एक मटेरियल है. तो ये सब हमारी क्या कहलाती है बेटा, मैकेनिकल वेव्स कहलाती है, है ना. ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, मूव करने के लिए मटेरियल के एज ए मीडियम काम करता है. समझ में आया नहीं. लेकिन कुछ हमारी मैकेनिकल वेव बेटा ऐसी भी होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जैसे आप देख रहे हो सन है, सन से हमारी लाइट आती है,
और उस सन की लाइट में आप जानते हो यूवी भी होती है, आईआर भी होती है ना, विजिबल लाइट है ना, आपके पास आई इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रा वायलेट भी होती है, और भी बहुत सारी रेडिएशन होती है। तो वो आने पर उनको मीडियम की क्या होता है, जरूरत होती है ना। कहीं हमसे कई जगह अब हमारे साथ हम कहेंगे बीच में एटमोसफियर बहुत सारी गैसेज हैं उनके थ्रू आते हैं, लेकिन कहीं उनके पास वैक्यूम भी तो समझ नहीं, क्लियर पॉइंट। तो जिस ऐसी मैकेनिकल वेव्स जिसको प्रपोगेट होने के लिए आगे बढ़ने के लिए मटेरियल की मैटर की जरूरत नहीं होती, ऐसी मैकेनिकल वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। समझ में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दैट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स है ना, दैट हैविंग नो नीड ऑफ एनी मटेरियल टू फॉर द प्रपोगेशन। समझ में, तो ऐसी मैकेनिकल वेव्स जिनको प्रपोगेट होने के लिए हमें किसी भी किसी चीज की जरूरत, मतलब किसी मीडियम की मटेरियल की जरूरत नहीं है, मटेरियल ऐसे मीडियम की जरूरत नहीं है। दैट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इज दैट क्लियर? आज के बुक में बेटे देखो बहुत सारी होती है आपकी, कॉस्मिक रेज है ना, एक्स रे, गामा रेज आपकी है ना, यूवी, आईआर, विजिबल, समझ में आ गई ना, ये सारी तरह की जो विजिबल में आपके कलर्स आते हैं जैसे है ना, विवक्योर, ये सब आपकी किसमें आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, माइक्रोवेव भी आपकी है ना, आपकी रेडियोवेव भी, ये सब किसमें आती है बेटा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है। अब देखो इनका प्रोपेगेशन कैसा होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, नहीं मान लो मैंने ये बुक ली और एक बुक से मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो वो ये किस टाइप से, एक्चुअली ये थोड़ा डायग्राम समझने के लिए थोड़ा सा वो है, जैसे मान लो हमारे टाइप से क्या है, ये है इस टाइप से, तो जैसे कार्शियन प्लेन होता है बेटा, थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, सेंटर है, हम बोर्ड पर 2D दिखा सकते हैं, हमने मान लो एक एक्स एक्सिस दिखाई, वाई दिखाया, हम ये बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, समझ में आ रहा है, हम बोर्ड पर इसको नहीं दिखा सकते, क्लियर है पॉइंट। तो हम ऐसे टाइम पर बेटा जब हम बोर्ड पे इसको नहीं दिखा सकते तो वो चीज को थोड़ा सा तिरछा करके दिखा रहा है, सभी इसलिए तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड, वैसे ही एक दूसरे के पे देखो दिखने में ये 90 से ज्यादा एंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये भी 90 है, यहाँ से ये एंगल भी 90 है, और यहाँ से ये एंगल भी हमारा क्या है 90 है। इस तरीके से देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये आया, तो एक एक्सिस हो गई, ये दूसरी एक्सिस जैसे 90 पर है, और अगर हम देखो इसको और ऐसे माने, ठीक है, और यहाँ से एक 90, एक दूसरा 90 है, और एक 90 कौन सा होता है, ये वाला, समझ रहे हो, इस टाइप से। अगर देखो बेटा मैं पेन के थ्रू बता देता हूँ आपको, हाथ के थ्रू तो आप ध्यान से देखना, ये इस टाइप से है, जैसे ये इधर हो गया, ये इसके क्या है, ये इसके 90 हो गए, देखो ये इसका 90 degree हो गया, ये इसके 90 degree हो गया, और अगर मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूँ तो भी ये 90 हो गया। तो इस तरीके से, तो मान लो एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, ठीक है ना। तो जैसे ये है, ये मान लीजिए आपके पास इस टाइप से मान लो जो मैंने ये है, ठीक, तो ये मेरा जो थंब है वो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये मेरी जो है बेटा है ना फिगर, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड, आपने वो इस पर लगा हुआ तो ये तिरछी होगी, और ये वाली जो बाहर की तरफ दिखेंगे भी नहीं, तो इसको तिरछा करके है, पॉइंट में समझे। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस डायग्राम को ये बस यही होता है, बच्चा पढ़ते टाइम इसको परपेंडिकुलर माने होते ही नहीं, ये मान लो इस टाइप से ये चीज ऐसे करके और इसको समझाना है तो मैंने तिरछा करके बनाया, ठीक है बेटा, ये इसका है तो इसको थोड़ा सा तिरछा बनाया, क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बेटा, अगर मान लो यहाँ पर कोई वेव आई है, वो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, ये बेटा पॉइंट समझे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर या तो ये बनेगा, या तो इसके परपेंडिकुलर ये बनेगा, या इसके परपेंडिकुलर ये बनेगा, जो मेरा थंब है या इसका थंब है, समझ में आ गया। तो अगर कोई भी वेव जब इस रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में एंटर करेगी तो वो इन दोनों की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले, जैसे अगर कोई वेव आ रही है, जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में आई, उसके जब प्रोपोगेशन का बाद इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, या तो ये ऐसे आ गया, चला जाए, चाहे इधर से आए बेटा ऐसे आ रही है, तो भी वो क्या हो गया, तो सीधे ऐसे आ गया। तो ये जितने, एक तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, एक तो मेन पॉइंट ये बेटा, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और इसमें कोई भी चीज एंट्री करेगी तो उस वेव का पाथ इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन दोनों के मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये या इसका ऑपोजिट, तो आने वाली वेव प्रोपगेशन का पाथ भी क्या हो जाएगा, इन दोनों। अब ये डायग्राम में प्रोपगेट परपेंडिकुलर दिखता नहीं है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल से समझाया। तो हमारी बेटा आप अपनी बुक देखना, कोई भी बुक हो, आप पे NCERT, प्रदीप, दिनेश, ABC है ना, GRB, ओपन अटेंडेंट,
सब में एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में दे रखा है, उसको पढ़िएगा। और कौन कौन सी होती है, जैसे आपकी रेडियो वेव हो गई, आपकी कॉस्मिक रेज, गामा रेज है ना, यूवी, आईआर है ना, विजिबल लाइट, आपकी ये सब चीजें किसमें आती, रेडियो वेव्स हो गई है ना, ये सब आपकी किसमें आती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है। और ये भी क्या है, वेव की तरह से तो प्रोपगेट करती है, सही है। अब हम बात करेंगे वेव की प्रॉपर्टीज की, जैसे कोई भी चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, जितनी लाइट की वेव्स होती हैं, ये सब क्या होती है बेटा, इनका पाथ कैसे, ये वेव फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, समझ में। तो अब जो वेव फॉर्म में जो प्रोपोगेट करती है तो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो वेव क्या है बेटा, तो वेव फॉर्म इस तरह से, आपने रस्सी को पकड़ा झटका मारा तो उसमें भी इस टाइप की बलें बनते हैं बेटा, पानी में आपने पत्थर मारा है ना तो भी जो उसमें भी लहर सी बनती है, तो ये आपका क्या है, वेव के प्रोपोगेशन का पाथ होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या क्या चीज़ें बेटा, कि जैसे जो एक ऑरिजिन है, मानो हमने सेंटर मान लिया, मानो हमने ये चीज मान ली और इससे हमने परपेंडिकुलरली मतलब ये रस्सी सर्च कर लिया, तो ये ऑरिजिन है ना, ये इसका वो पॉइंट है जहाँ से हमें इसको वाइब्रेट कर दिया है। तो ऑरिजिन से एक जो ऊपर कैप्सूल प्लेन होता है, ऊपर की पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आगे पॉइंट में, तो वो ये सेंटर है, ऑरिजिन है। और जब हम बेटा वेव प्रोड्यूस होती है तो अगर वो ऑरिजिन से पॉजिटिव कैप्सूल प्लेन में जाती है तो जो ऊपर की टॉप होती है या मतलब जो ऊपर का ये वेव का पार्ट होता है। अच्छा ये वन वेव क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझो पता है कि वन वेव क्या होती है बेटा, है ना। तो एक बार जब अपने ऑरिजिन से बेटा जब वो एक बार ऊपर की तरफ जाती है पॉजिटिव कार्शन प्लेन, फिर एक नीचे नेगेटिव कार्शन प्लेन में आके फिर एक बार सेंटर पे आ जाती है, अपने ऑरिजिन पे आ जाती है। तो ये हमारी जो चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, मतलब ये चीज ये हमारी क्या कहलाती है, वन वेव कहलाती है। आया पॉइंट समझ में, मतलब ये ऐसे नहीं मिनिमम डिस्टेंस में, ये एक वेव आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक साइकिल वन वेव बोलो आप, है ना, वन साइकिल भी बोल सकते हो, पॉइंट है। देखो इसको अगर आप उल्टा कर दो तो एक ये सर्कल टाइप बन जाए कि भाई हाफ इस सही है और हाफ इसको मैंने पलट दिया तो एक साइकिल बन गया, इसलिए इसको वन साइकिल भी बोला जाता है, समझ आ गया बेटा। तो हमारी वन वेव किससे मिलती है, जो ऊपर ओरिजिन से जो पॉजिटिव कार्शन प्लेन का हिस्सा होता है इसको क्रस्ट बोला जाता है, और ओरिजिन से जो नीचे नेगेटिव कार्शन प्लेन का हिस्सा होता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम टर्फ बोलते हैं, इज दैट क्लियर। तो वन क्रस्ट और वन टर्फ से मिलकर क्या बनती है आपकी, एक वन वेव वन साइकिल बनती है, समझ आ गया। तो एक वेव सबसे इंपॉर्टेंट है कि वन वेव होती क्या है, क्लियर। अब आओ इसकी प्रॉपर्टीज, तो जब वेव स्टार्ट हुई और दोबारा अपने ओरिजिन पे आई, उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है भाई, देखो ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, मिनिमम डिस्टेंस क्या है इस ओरिजिन पॉइंट और ये वेव जब दोबारा अपने ओरिजिन पॉइंट के पैरेलल आई, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है, या हम कह सकते हैं एक कर्व और एक क्रस्ट की जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तो ये आपको क्या कहलाती है बेटा, वेव लेंथ, आ गया। और ओरिजिन से क्रस्ट की हाइट या ओरिजिन से कर्व की जो डेप्थ होती है भाई, ये हाइट होगी जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो आपसे मुझे एक वर्ड होता है एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड। देखो अब तक हमने क्या चीज पढ़ाई, एक चीज पढ़ाई वन वेव, वन वेव समझ में आगे क्या होता है, क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ाया वेव लेंथ, तो एक टर्फ और एक क्रस्ट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ, है ना। और वेव लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लैम्डा से। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपकी बुक में सब है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या होता है, टर्फ की हाइट, क्रस्ट की हाइट या टर्फ की जो डेप्थ होती है ना सेंटर से, वो हमारी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है, समझ में आ गया बेटा। तो एक चीज हमने आपको वन वेव बताई, वेव की वेवलेंथ बताई, वेव का एम्पलीट्यूड बताया। अब देखो एक चीज और है, फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक वर्ड हमारा क्या है बेटा, वेव नंबर, है ना, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीजें इस वेव की प्रॉपर्टी और है, एक वेव लेंथ, एक एम्पलीट्यूड, एक वेव नंबर, एक फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे आपने कभी झटका मारा तो बार बार लहर बनती है, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम कोई भी एक पॉइंट चूज कर ले, मानो ये जैसे आपकी एक बार एक वेव आई है ना, फिर यहीं से एक दूसरी वेव भी आई, यहीं से एक तीसरी वेव भी आई, तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, समझ में आया, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट आप कोई भी चूज कर लो, आप ये चूज कर लो, आप ये चूज कर लो, आप यहाँ चूज कर लो, तो एक सेकेंड में कितनी वेव पास होती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर पास, जैसे ये हमने पॉइंट चूज किया तो वन सेकेंड में यहाँ से कितनी वेव आई बेटा, एक के बाद एक निकलती है। जैसे आप देखो, आप नदी के किनारे पे जाओ या आप बीच पे जाओ, आप जब किनारे पे खड़े होते हो तो समुद्र की लहरें आती हैं, एक लहर आपके पैर से टकराएगी, फिर दोबारा एक आएगी, फिर तीसरी एक आएगी, ऐसे यहाँ पे भी होता है, वन बाई वन एक वेव जनरेट होती है बेटा, समझ में आया।
तो एक सेकेंड में, वन सेकेंड में किसी एक वन पॉइंट पर कितनी वेव्स आई, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट इन ए सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। अगर एक सेकेंड में एक इस पॉइंट से कितनी वेव पास हुई, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम 1/T से रिप्रेजेंट भी करते हैं बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। अब आओ वेव नंबर क्या है, हमने बेटा एक सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, मानो हमने एक सेंटीमीटर की लेंथ ली, कोई एक वेव यहां से निकली, एक यहां से निकली, एक बेटा यहां से निकली, तो अब हमने 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है बेटा, उससे कितनी वेव पास हो रही है एक सेकेंड में, बोलो दोनों का अंतर समझ में आया, एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन ए सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और वेव नंबर क्या है, एक सेंटीमीटर लेंथ में एक सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए 1 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस इन ए सेकेंड, समझ में आ गया, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, है ना, वेव नंबर कहलाता है। इज इट क्लियर, ये चार प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, वेव लेंथ क्या, आप देखो इनके फॉर्मूले भी है, आप इन पे न्यूमेरिकल भी पढ़ोगे, तो देखो वेव लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अभी ऐसा करते हैं कि इनके न्यूमेरिकल फॉर्मूले जो है, अभी हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है समझाया नहीं, इसका एक दूसरा डायग्राम मैंने नहीं बनाया, वो डिफरेंट डिफरेंट डेज का, तो ये आपको क्लियर हुआ। आपको अब जैसे ये वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, भाई पहली बात वन वेव क्या होती है, वन वेव समझ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वन वेव की लेंथ क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है ना, क्लियर। इसकी जो हाइट होती है, इनको इसको हाइट या डेप्थ को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक किसी भी एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है, नंबर ऑफ वेव पास फ्रॉम ए पॉइंट इन ए सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव पास हो रही है एक सेकेंड में, दैट इज वेव नंबर। अब इनके रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, मैंने वो बताया आपको, अब इनके जो फॉर्मूले हैं और उनके न्यूमेरिकल, क्योंकि आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल तो हो नहीं पाएंगे, तो फॉर्मूले और न्यूमेरिकल आपको एक साथ एक वीडियो में बताएंगे, पॉइंट है इसमें बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि ये वेव की अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलो तो अभी इतना रहने देते हैं, आप बुक से एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ो, कौन कौन होती हैं, आप देखोगे उनमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ आप पढ़ोगे, फ्रीक्वेंसी आप पढ़ोगे, जैसे आपके पास विजिबल लाइट है मान लो, तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो ये वेव है, वेव की फॉर्म में हो रही है, तो इसकी एक वेवलेंथ भी होगी, इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का बुक में एक चार्ट दे रखा है हर बुक में बेटा, ठीक है, नहीं कि भाई रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, वेवलेंथ इतनी होती है ना, गामा रेज की वेवलेंथ इतनी है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसलिए तो आप ये पूरा आज पढ़िएगा, क्लियर है पॉइंट, और देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फॉर्मूले और इसके न्यूमेरिकल के डिस्कशन करेंगे, ओके, थैंक यू।